परीश का फोन, और वाह इंस्टेंट रिजल्ट, उधर दाने डाले इधर ये पहुंच गया। अरे हरीश पहुंच गया? अरे सर कहाँ हो आप, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। अरे सॉरी सॉरी, वो फोन मैं किचन में रख के जरा टेरेस पे चला गया था, अभी नीचे आता हूँ। हाँ ठीक है। ला 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 भाई फटाफट पार्सल दे, ये लीजिए। थैंक यू। नहीं भाई एक मिनट, पहले खोल के दिखा इस पार्सल में क्या है। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, पता चला इस बार केला निकला। अरे ऐसे कैसे केला निकलेगा सर इसमें, तो पहले आम कैसे निकला था। अरे सर गलती एक ही बार होती है, ये आपका ही पार्सल है, मेरी गारंटी है। नहीं नहीं भाई तू गारंटी मत दे, तू खोल के दिखा इसमें क्या है। सॉरी सर हमें खोलना अलाउड नहीं है, आप ही खोल लीजिए। तो मेरा पार्सल है, मैं खुद बोल रहा हूँ खोल के दिखा, तो प्रॉब्लम क्या है, खोलना। सर वही तो बोल रहा हूँ कि हमें पार्सल खोलना अलाउड नहीं है, आप खुद खोल लीजिए। तो भाई समझा कर, यहाँ टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, खोलना। भगवान करे इसमें केला ही निकले। कुछ नहीं कुछ नहीं सर, जल्दी खोलो भाई, थोड़ा आराम से फट ना जाए। हाँ सर तभी तो कह रहा था कि आप खुद ही खोल लो। बोलना बहुत बोलता है। सर ये भी आपका पार्सल नहीं है क्या? सर इसमें लेडीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ये आपका पार्सल कैसे हो सकता है। अरे यही मेरा पार्सल है। अरे तू चल फटाफट पैक कर, जैसे था वैसे पैक कर दे। गुड, मेरी बात ध्यान से सुन, काम हमेशा लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। अगर काम में ध्यान नहीं दोगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मैं पत्रकार हूं, कभी कोई काम गलत नहीं चलाता, और हाँ अपनी गलती मानने से कभी कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। सर आपको लेट हो रहा था ना। अरे हाँ हाँ हाँ, थैंक यू दोस्त, चल चलता। सर मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट देता हूँ। अरे पार्सल यहीं तो रखा था, कहाँ गया? क्या हुआ सर? अरे एक मिनट भाई। अरे सर जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। अरे तुमसे ज्यादा मुझे लेट हो रहा है, आम की पेटी में यही रख के गया था, पता नहीं कहाँ चली गई। चली गई मतलब? अरे आम के पेटी के पैर थोड़ी ही चली जाएगी। अरे तो भाई तू बोलता है रहेगा कि दो मिनट शांति रखेगा, मैं घर गया था तभी तेरी आम की पेटी यही रख के गया था। अरे हमारे गोकुलधाम सोसाइटी से कभी कोई चीज गायब नहीं होती। अच्छा सुन, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है, मैं ना बाद में तेरा पार्सल ढूंढ के तुझे पहुंचा दूंगा। नहीं सर, जब तक मुझको मेरा पार्सल मिलेगा तब तक मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। एक मिनट भाई, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे थोड़ी होता है। कमाल करते हो सर, मेरी गलती हुई तो आपने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, अभी खुद की आई तो मैं बदतमीज लगने लगा। ऐसा है सर, मैं पत्रकार नहीं हूँ लेकिन गलत काम नहीं चलाता। ये पार्सल तभी आपको मिलेगा जब मेरा पार्सल मुझे मिलेगा। अरे समझा कर भाई, इस पार्सल से मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी का सवाल है। सर आप क्यों नहीं समझ रहे हो, उस बॉक्स से मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, मेरी नौकरी का सवाल है। अरे तुम भूल गए हरीश, मैंने तुम्हें 100 रुपए टिप में दिए थे। 100 रुपए? ये पकड़िए आप वापस पकड़िए। अरे ये तो फटी हुई नोट है। हाँ तो आपने मुझे यही दी थी। देखो जब तक तुम मुझे मेरा पार्सल नहीं देते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ बुलाओ बुलाओ पुलिस को, पुलिस आपको ही पकड़ेगी क्योंकि आपने मेरा पार्सल नहीं दिया है। मैं जा रहा हूँ, मुझे और ऑर्डर्स डिलीवर करने जाना है। पर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, क्या सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ? तुमने मुझे अगर पहले ही सही पार्सल दिया होता तो ये गड़बड़ होती ही नहीं। सर उसके लिए मैंने आपको सॉरी बोला और मैं आपका पार्सल भी लेकर के आया, लेकिन जब तक आप मुझे मेरा पार्सल नहीं दोगे मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे, मेरा बॉक्स तो, बॉक्स तो, बॉक्स तो। अरे देखता हूँ मेरा पार्सल दिए बिना आज तुम यहाँ से कैसे जाते हो। सर देखिए मैं आपका पार्सल देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ,
मैं एक घंटे में लौटता हूँ, तब तक आप मेरा पार्सल ढूंढ के रखिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे मेरा पार्सल अभी चाहिए। सर सर देखिए, अगर आप मुझे ऐसे रोकेंगे तो मैं सच में जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा आपकी। हाँ कर दो कंप्लेन, लेकिन अभी पार्सल दो। अच्छा ठीक है, आप पहले पहले ये छाता हटाइए। ये लो, दो अभी दो। अरे ए, 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 रुक रुक। अरे हरीश, अरे रुको यार, अरे कहाँ भाग रहे हो? सॉरी, मेरी नौकरी का सवाल है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे जानता नहीं है। मैं पत्रकार पोपट ला लू, अरे तेरी दुनिया हिला दूंगा। क्या मुसीबत है। यही तो रखा था, कहाँ गया वो? भेड़ ऊपर क्या गया? उसने पूरे का पूरा हमका बॉक्स गायब हो गया। कौन ले जा सकता है? गोली। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? उसे कहीं से भी खाने की खुशबू आ जाती है। पक्का उसे आम की खुशबू आई होगी और वही ले गया होगा। गोली। वाह मम्मी पापा, ये आम की क्या खुशबू है। खुशबू से ही पता चल रहा है कि आम कितने मीठे होंगे। यू नो, मैं कभी कभी सोचती हूँ, आम इतना खास है तो फिर उसका नाम आम क्यों है? सही बात है, मेरे हिसाब से ना आम का नाम स्वाद का महाराजा होना चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली। वाह बहुत मीठे आम है। काम करना मम्मा, आज ब्रेकफास्ट डिनर स्नैक लंच सब में मुझे आम देना। कोमल मुझे भी। हाँ हाँ, जितने आम खाने हैं उतने आम खाइए, पूरी आम की पेटी भरी पड़ी है। वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा। अरे अरे गोली, क्या कर रहे हो ये? हाँ पोपटलाल भाई, आप गोली के हाथ से आम क्यों छीन रहे थे? आपको अगर आम खाने ही हैं तो आप प्लेट में से लीजिए ना, तो जितने स्लाइस चाहिए उतने लीजिए। ये क्या, सारे आम काट दिए? आपको सामने ना पोपट अंकल, इसको काट के खाने में मजा आता है। और सीजन का पहला आम खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ। मजा? ये मजा मेरे लिए सजा बन गई है। अति भाई, ये सारे आम वापस जोड़ दो। क्या बात कर रहे हो? पोपट अंकल, ये कटे हुए आम है, वापस कैसे जुड़ सकते? हाँ वही तो। ये सिर्फ पेट में जा सकते है। सही बात है। वैसे पोपटलाल भाई, आप इतने सज धज के कहाँ जा रहे हैं? कोई गुड न्यूज है क्या? आप लड़की देखने जा रहे हैं? लड़की को देखने और उसे इम्प्रेस करने ही जा रहा था। पर गोली बेटा, तुझे तो सब पता है, पर तूने ही ऐसा किया। मैंने क्या किया? चोरी। चोरी? व्हाट? गोली ने मेरे आम की पेटी चुराई है। गोली? मम्मा पापा आम की पेटी लाए तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? आम की पेटी आप लेकर आए? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ मैं लेकर आया हूँ आम की पेटी। आम थोड़े महंगे थे पर गोली को खाना बहुत पसंद है तो मैं ले आया। अगर पहले बताते तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आता था। हाँ भैया, आप खरीद के लेके आए? अब मैं आम के बगीचे में तो रहता नहीं कि झाड़ से तोड़ लूं। खरीद के लाया हूँ बाबा। एक मिनट पोपटलाल भाई, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हंस आपके आम की पेटी चुरा कर लाए? नहीं नहीं, मैं आम खरीद के लाया हूँ। अरे तो फिर मेरे आम किसने चुराए? मैंने वहाँ सेविंग के पास ही रखे थे। अच्छा, वैसे आप आम कितने रुपए डजन लेकर आए थे? अरे मैंने कोई आम नहीं खरीदे कोमल भाभी। पर अभी तो तुमने कहा ना कि तुम्हारे आम चोरी हो गए। वो आम मेरे नहीं थे। क्या पोपट अंकल, आप भी जो आम आपके थे ही नहीं, उसकी चोरी को लेके इतना इश्यू क्यों बना डाला? मेरे नहीं थे मतलब वो मेरे ही थे। मतलब मैं सब समझाता हूँ।
गोली, तुम लोगों ने मुझे आइडिया दिया था ना कल ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। पोपटलाल, तुमने अपने लिए ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाए? मेरे लिए नहीं, पूजा के। मेरा मतलब है जिस लड़की से मिलने जाना था उसके लिए। अच्छा, दरअसल हुआ यूं। मैं पूजा बोल रही हूँ। हम पहले कभी मिल चुके हैं? 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ, आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा, मैं कल मुंबई आ रही हूँ। अच्छा, आप अभी भी कुंवारे हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आपके क्या विचार है? मिलकर बताती हूँ। आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। पूजा इस गिफ्ट से इम्प्रेस तो हो जाएगी ना? 100% पोपट अंकल। आम? मैंने तुमसे कुछ और मंगवाया था, तुम आम का बॉक्स मुझे देकर गए हो। सर बस 15 मिनट, सर अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया। इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊँ, यहीं साइड में रख देता हूँ, पर फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त, चल चलता। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ, सॉरी, एक मिनट देता हूँ। और अभी वो डिलीवरी वाला बोल रहा है कि जब तक मैं उसे उसकी आम की पेटी वापस नहीं देता, तब तक वो मुझे मेरा पार्सल नहीं देगा। अरे बाप रे। बस ना पोपट अंकल, मतलब आपको लगा वो आम की पेटी मैंने चुराई है? सॉरी बेटा। पोपटलाल, माना कि हाथी फैमिली खाने की शौकीन है, पर ऐसे चुरा के कभी नहीं खाते। सॉरी, लेकिन मेरी आम की पेटी गई कहाँ, किसने ली होगी? पोपट अंकल, कंफर्म सोडी अंकल लेके गए। सोडी ने? सोडी क्यों लेगा? वो सोडी अंकल है, उनको आपके साथ मजाक करने की आदत है। सही बात है, सोडी ये कर सकता है। सोडी? अगर सोडी ने ये मजाक किया है ना, तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ आम खाते हैं। लो बेबी। वाह, रोशन भाभी। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग। बात छे पोपट भाई, सवार पूरी इतना तैयार होकर, कहीं गुड न्यूज शैसु? अरे गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज है। बैड न्यूज? फिर आप इतना तैयार क्यों है? सो ठयूसु? अरे वो सब छोड़िए ना, आप सोडी से कहिए मेरे साथ मजाक ना करे, वो मेरी आम की पेटी लेके आ गया है। ओ, तो वो आम की पेटी आपकी है? हाँ। रोशन तो कह रहा था कि वो आम की पेटी उसके दोस्त ने उसको दी है। अरे दी नहीं है, उसे छुपके से ली है। अब उस आम की पेटी पर डिपेंड करता है कि मेरी शादी होगी कि नहीं। मुझे उस पेटी का एक एक काम जैसा था वैसा चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी नहीं, गड़बड़ हो गई है। रोशन तो उस आम की लस्सी बनाने गया है, मैंगो लस्सी। क्या? अरे बाप रे बाप। गुड मॉर्निंग पप्पू। अरे क्या बात है, सवेरे बंटन के कोई लड़की छड़की का मामला है? तो एक काम कर, मैंगो लस्सी, वो मीठी मैंगो लस्सी पी के जा, अच्छा शगुन होता है। मैंगो लस्सी? अरे अब इस मैंगो लस्सी की वजह से मेरी शादी नहीं होगी। ऐसा क्या इस लस्सी में? मैंगो। सोडी, तूने ये मैंगो लस्सी बना के अच्छा नहीं किया, मुझे मेरी आम की पेटी वापस दे दे। रोशन, तू पोपट भाई के आम की पेटी दे दे, उनके साथ मजाक मस्ती मत कर। देख रोशन डार्लिंग, तू जो कहेंगी वो मैं बंद करने को तैयार हूँ, लेकिन मस्ती मजाक वो मैं बंद नहीं कर सकता। सोडी, मेरी आम की पेटी दे। कौन सी आम की पेटी? सोडी। ओपो। अरे भाई सोडी, जरा समझा कर, अगर वो आम की पेटी नहीं मिली तो मेरी शादी अटक जाएगी, देना। अरे पर मेरे पास कोई पेटी है ही नहीं, तो दू कहाँ से? अरे तो फिर ये मैंगो लस्सी कहाँ से बनी, पपीते से? और पप्पू, तो ये आम तो मेरे दोस्त दलजीत ने भेजे। अरे यार, उसने आम का नया बिजनेस शुरू किया है, वो ट्रक भर भर के आम आए, तो एक स्पेशल कोल्हापुरी आम की पेटी उसने मेरे लिए भेजी है। मतलब ये लस्सी मेरे आम से नहीं बनी है? एक मिनट पोपट अंकल, मैनू एक गल पले नहीं पड़ रही, आप तो पूजा आंटी को मिलने जाने वाले थे ना, तो ये आम की पेटी कहाँ से बीच में आ गई?
पूजा आंटी से मिलने जाने वाले थे। अरे पूजा आंटी कौन छे? ये पूजा पूजा, ये पूजा पूजा कौन है? अब सब इनको बताना पड़ेगा। वो हुआ यूं कि और अब जब तक मैं उसे उसकी आम की पेटी नहीं देता, तब तक वो मुझे मेरा पार्सल नहीं देगा। उतरे ओए, ऐसे कैसे नहीं देगा? वो कुछ हुंडू मार के उसकी हड्डी पसलियां तोड़ देनी है। ए रोशन, हड्डी पसली नहीं तोड़नी बाबा, आम की पेटी ढूंढनी है। अगर तूने आम की पेटी नहीं ली है तो फिर किसने ली होगी? मैनू पता है। और अगर जो मैनू पता है वो सही है, तब तो तेरी आम की पेटी गई, अब तो तुझे आम नहीं मिलेंगे। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है भाई, सीधे सीधे बता ना किसने ली होगी। किसने? ओ गोली ने। ओ गोली को आम की खुशबू आ गई होगी, वो पेटी अपने घर ले गया होगा। ओ अब तक तो पप्पू वो सारे आम हाथी प्रा और गोली के पेट में जा चुके होंगे। अरे नहीं भाई, मैं अभी हाथी भाई के घर जाके आया हूँ, गोली ने नहीं ली है। अच्छा, फिर तो तेरी आम की पेटी सलामत होगी। अच्छा, लेकिन कहाँ होगी? पीड़ू के पास। भीड़े के पास? तो भीड़े क्यों लेगा? वो अपना पीड़ू रोज सुबह सोसाइटी के कंपाउंड में सुविचार लिखने जाता है ना, वो उसने तेरी आम की वो लवारिस पेटी वहां देखी होगी। वो तेनू तो पता है कि अपना पीड़ू डिसिप्लिन में कितना मानता है। कोई उसने सोचा होगा कि कौन यहाँ ऐसे पेटी छोड़ के गया, जब आस पास कोई नहीं दिखा होगा तो या तो फिर वो पेटी अपने घर ले गया होगा या फिर उसने सोसाइटी के ऑफिस में रख दी होगी। बराबर है, उसके पास ही होगी। मैं भीड़े को जाके पूछता हूँ। ओ एक मिनट रुक, ओ मैं भी साथ चलता हूँ। ओ बाद में तुझे जहाँ जाना है अपनी गड्डी पे छोड़ दूंगा। हाँ चल 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 चलो। ओ पप्पू रुक, क्या हुआ सोडी? ओ तू ऐसे नहीं जा सकता, ले पहले लस्सी पी। नहीं नहीं भाई, अभी नहीं पीनी है। नहीं पीनी है? ओए ऐसे नहीं चलेगा। पीजिए पीजिए पीजिए। ये तो बहुत ज्यादा है। खिच खिच बॉटम साफ। हाँ पोपट अंकल, पियो पियो पियो। अच्छा काम करने जाते हैं ना तो उसके पहले मुंह मीठा करना ही चाहिए। अच्छा शाबाश। चल 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 भाई जल्दी चल। अच्छा तू भी पी ली? हाँ हाँ हाँ, कल तक आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। भिड़े। हाँ अच्छा, अरे भिड़े कहाँ है? ऊपर पहुंची है सोडी, कोई आई है? आई है, बैठी है। नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है माधवी भाभी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। हाँ समझ गई, मैं समझ गई क्यों और कहाँ जाने की जल्दी है आपको। जाइए जाइए, जल्दी से जाइए और मस्त की खुशखबरी लेकर आइए। अरे कहाँ से लाऊं खुशखबरी? मैं पूजा से, पूजा उस लड़की का नाम है जिसे मैं मिलने जा रहा था। अरे लेकिन भीड़ा ने सब गड़बड़ कर दी। अय्या, इन्होंने क्या गड़बड़ की? गोंधल। माधवी भाभी जरा समझाइए भीड़े को, पूरा दिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन करता रहता, उसके डिसिप्लिन के चक्कर में आज मेरा रिश्ता नहीं होगा। अरे वो सेक्रेटरी है तो वो कुछ भी मनमानी करेगा, उसे सेक्रेटरी तो हम सब ने मिलकर ही बनाया ना। पोपट भाऊ जी, आप थोड़ा शांति से बताएंगे नक्की काय झालंय, इन्होंने क्या किया है? सोसाइटी कंपाउंड से मेरे आम की पेटी लेकर आ गया। जल्दी से बताइए ना उसने कहाँ रखी है। इन्होंने कोई आम की पेटी घर पे नहीं लाई है। तो फिर सोसाइटी के ऑफिस में रखा होगा। नहीं नहीं, सोसाइटी ऑफिस में भी नहीं रखी है। आपको कैसे पता? सोसाइटी ऑफिस की चाबी घर पे ही है और ये सुबह से ही अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए बाहर गए हैं। मतलब पीड़ू सुबह से ही बाहर है? हाँ, सखरम नहीं है नीचे, आप लोगों ने देखा नहीं आते वक्त। अरे हाँ, मेरी नजर ही नहीं पड़ी, सखरम नहीं है। दोस्तों जब किस्मत हो फूटी तो क्या करेगी जड़ी बूटी,
भाई हमारे पोपटलाल की किस्मत विधाता ने ऐसी लिखी को भाग नहीं देता है। और वैसे कहते हैं ना, जो दिल का अच्छा हो ईश्वर उनकी परीक्षा लेता है। अब पोपटलाल की परीक्षा है, अब ओरिजिनल पार्सल ले आया डिलीवरी बॉय, तो आम की पेटी गायब। आम की पेटी गायब होना कोई छोटी मोटी बात नहीं, सीजन के पहले आम है, सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनका स्वाद तो पूछिए मत, इसकी खुशबू चारों ओर फैलती है और आम की पेटी को पेट में जाते ज्यादा देर नहीं लगती है। और अगर ये आम की पेटी नहीं मिली तो फिर गड़बड़ है, तो फिर ये पार्सल नहीं मिलेगा। और अगर पार्सल नहीं मिलेगा तो पूजा जी को कैसे दिया जाएगा, और पूजा जी को नहीं दिया जाएगा तो क्या पूजा जी बिना मिले चली जाएंगी पोपटलाल से? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, अब क्या क्या हो सकता है आप कल्पना कीजिए, अंदाजा लगाइए। लेकिन मैं एक अंदाजा लगाता हूँ, जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.